प्रदेश में पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को रात करीब 9:30 बजे हमारे पीपीटी खबर अलीगढ़ के ब्यूरो चीफ अक्रम भाई पर भी जानलेवा हमला हुआ है। सिर्फ अक्रम भाई पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों पर भी जानलेवा हमला हुआ है। बताया गया है कि हमलावर स्ट्रीट हीटर है और रंगदारी मांगने के चक्कर में जेल भी जा चुका है। वारदात की शिकायत इलाका पुलिस से की गई। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए दबिश भी दी परंतु हमलावर फरार हो गया। क्या कुछ हुआ पत्रकार अक्रम भाई के साथ, यह सुनिए स्वयं उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट अलीगढ़, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्रम है। क्या मामला हुआ था? मैं एक पत्रकार हूं, पीपीटी खबर और प्रतिभा दर्शन में समाचार पत्र भी चला रहा हूं। एक हिस्ट्री सीटर है रईस हंडा, जो मेरा एक भाई है नवाब, मेरे ताऊ का लड़का है और वो भी ताऊ का ही लड़का है, लेकिन वो हिस्ट्री सीटर है, बदमाश है वो। और मेरे ताऊ का जो लड़का है नवाब, उससे भी काफ़ी वो ज़्यादा धौस में खा चुका है और उसको मारने की धमकी देता रहता है। उसके एवज में अगर मैं उससे बोलता हूँ तो वो मेरे से भी दुश्मनी मानता है। आज मेरी एक ताऊ की लड़के की बीवी ख़त्म हो गई थी तो मैं वहाँ गया हुआ था गमी में, तो वहाँ वो भी आया हुआ था, तो उसने कोई भी मोड़ लेके मेरे साथ मारपीट की, मेरे बच्चों के साथ मारपीट की, मेरा भाई नवाब है उसके साथ भी मारपीट की और उसकी बीवी के साथ भी मारपीट की उसने। और वो अक्सर ऐसा ही करता है, कभी भी वो मौका देखता है तो हम लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। थाना डेलीगेट में उसका HS खुला है। इससे पहले उसने एक 25 लाख रुपए की धौस भी मांगी थी सिविल लाइन थाने से और उस पर काफी मुकदमे चल रहे हैं। वो बदमाश टाइप का आदमी है, दबंग आदमी है वो, और कभी भी धौस दिखाता है और कभी धौस का ही वो इसका यही काम है। ये घटना कौन कितने समय की है? ये घटना करीब 9:30 बजे की है। सुबह या शाम में? ये अभी रात 9:30 बजे की है, रात को 9:30 बजे, थाना कोतवाली क्षेत्र की। यहाँ तो आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ, मैंने पुलिस को सूचना दी, मैं इंस्पेक्टर साहब को भी सूचना दी है और मैंने चौकी पे भी लिखित दी है। तो चौकी इंचार्ज का क्या कहना है? चौकी इंचार्ज का कहना है कि अभी यहाँ पे रैपिड को भेज रहे हैं हम और उसको दिखवा रहे हैं, लेकिन रैपिड वहाँ पहुंची है, वो रैपिड को मिल नहीं पाया है, वहाँ से वो फरार हो गया। तो और कोई? और बस मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे बच्चों की जान का खतरा है। मैं पत्रकार हूँ और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मैं एक अपनी छोटी सी दुकान भी चलाता हूँ। बस ये है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मैं अपनी जान की हिफाजत चाहता हूँ और मुझे उससे डर है, वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, दबंग आदमी है, हिस्ट्री सीटर है, वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरी जान वाल की हिफाजत चाहिए बस। TVS के 3-व्हीलर चाहिए तो कुमार ट्रेडिंग कंपनी आइए, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, कुमार ट्रेडिंग कंपनी गौशाला के पास GT रोड एटा, मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र चौहान, मोबाइल नंबर है 7906736810। नमस्कार साथियों, पीपीडी खबर एक यूट्यूब चैनल है और इस चैनल का एक अखबार है प्रतिपक्ष दर्शन, यह सप्ताह में आता है और एटा से प्रकाशित होता है। बहुत ही अच्छा अखबार है, जनता की खबरों को दिखाता है, किसी का कोई इस अखबार पर दबाव नहीं रहता है। मैं भी इस अखबार को पढ़ता हूं, आप सभी से गुजारिश है कि आप भी इस अखबार को पढ़ें और पीपीडी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे इस चैनल का उत्साह बढ़े और आप तक खबरें समय से पहुंचती रहें।